गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, मुझे कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर, जो हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स को बनाने की मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी कुछ दिनों पहले, तो उससे मैं फिर से कंटिन्यू करूँ। कई ऐसे डायग्राम्स हैं जो भी आप लोग नहीं बना पा रहे हो, तो मैं आपको बताऊँ कि कैसे ईजी वे में उन डायग्राम्स को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो, एग्जाम्स में ड्रॉ कर सकते हो, प्रैक्टिकल की कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा सबसे एक ऐसे डायग्राम से जो बायोलॉजी में अक्सर कभी ना कभी हमको बनाना ही पड़ता है, फ्रॉग यानी मेंढक का डायग्राम, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। तो फ्रॉग को कैसे ड्रॉ करना है बहुत ही इजी वे में, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ में अपनी कॉपी और पेन को रेडी रखिए या पेंसिल को रेडी रखिए और साथ में बनाते हैं बहुत ही ईजी वे में राना टिग्रीना यानी कि फ्रॉग को। चलिए तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इस साइड से और डायग्राम हमारा इधर की तरफ जाएगा, तो आप इधर से स्टार्ट करें और सबसे पहले हम माउथ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम एक लाइन इस तरह से बनाएंगे और हल्की सी राउंड लेते हुए उस लाइन को ऐसे कंटिन्यू कर देंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा आगे ले जाकर एक आई आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी होती है। जो दूसरी तरफ की आई है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है दोनों तरफ, तो वो आपको दिखाई पड़ती है। उसी के सामने आपको इधर वाली आई भी ड्रॉ कर लेनी है। तो एक आई मैंने ये ड्रॉ कर दी। इसके बाद यहाँ से इस लाइन को हम माउथ को कंटिन्यू करेंगे। तो ये इतना हिस्सा हमने बनाया। इसके बाद हम लोग इसे ऐसे लाएंगे इस तरीके से और धीरे धीरे इसको हम लोग नीचे ले जाते हुए ऐसे इस तरह से कर देंगे। इसके बाद इस हिस्से को थोड़ा सा उठाते हुए आपको नीचे ले आना है, बहुत ईजी है। और इसके बाद यहाँ से आप लोग इस तरह से ऐसे करेंगे, थोड़ा सा नीचे लाए इसे, फिर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हाथ को आगे बढ़ाया और इस हाथ को इस तरह से आगे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले नीचे का पोर्शन बनाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका बेली यानी कि पेट निकालना है एंड देन यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इस तरीके से लाएंगे और इसे ऐसे यहाँ से घुमाते हुए कुछ इस तरीके से लेकर जाना है, ठीक। इसके बाद फिर अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। ये जो हिस्सा हम लाए थे इसे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वाले हिस्से को यहाँ से इस तरह से हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, ये आप थोड़ा सा इधर बढ़ा दें। अब आप इसे यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। इतना करने के बाद में आपको इधर से एक पैर दिखाना है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 फिंगर्स आप यहाँ पर दिखाएंगे और इस तरीके से इसको लाकर ऐसे यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक तरफ का पैर बन गया। अब दूसरी तरफ का जो पैर हम बनाएंगे वो यहाँ से बस केवल हमें उभार जैसा दिखाना होता है और यहाँ पर इस तरीके से ये दूसरी तरफ का भी पैर शो हो गया। अब यहाँ पर हम इसके फिंगर्स बनाएंगे इस वाले हाथ में, तो ईजिली 3 फिंगर्स हमने दिखा दी यहाँ पर, एक छोटी सी होती है तो वो नहीं दिखाई देगी। अच्छा, दूसरी तरफ के हाथ को बनाने की वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं, थोड़ा सा दूसरी तरफ का भी हाथ आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि इसका टिम्पैनम यानी कान एक्सटर्नल ईयर, वो मैंने यहाँ पर बना दिया। एक नॉस्ट्रिल होता है वो मैंने यहाँ पर बना दिया। फिर कुछ लाइंस हैं जो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, थोड़ा सा एक रियलिस्टिक वे में ये लगने लगेगा यहाँ मेंढक है। एंड में हम लोग अभी मैं इसकी लेवलिंग करके भी आपको बताऊँगा। अभी क्या करना है, अभी आपको एक ग्रीन कलर लेकर मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर इस तरह से जो स्पॉट्स होते हैं फ्रॉग के अंदर वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो इस टाइप से आपको पूरी बॉडी पर स्पॉट्स जैसे इसमें दिखा देने हैं। तो इस तरह से पेन को चलाकर आप इसके कॉर्नर्स पर और सेंटर में इस तरीके से पूरे स्पॉट्स यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। तो इस तरीके के स्पॉट्स आपको यहाँ पर बनाने हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ स्पॉट्स बना दिए, अब आपने देखा। अब हम लोग करते हैं इसकी लेवलिंग। तो लेवलिंग में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं वो ध्यान से समझ लें आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले तो ये इसका हेड है, तो ये मैंने इसका हेड लिख दिया यहाँ पर। आगे नाक में जो छिद्र आपको दिख रहा है उसको कहते हैं नॉस्ट्रल यानी कि नासा छिद्र। इसके बाद ये आपको दिख रहा है माउथ है, तो मैंने यहाँ पर माउथ लिख दिया। इसके बाद ये आई है, तो इट इज़ द आई।
यहाँ पर ये कान के लिए एक एक्सटर्नल ईयर पोर टाइप का होता है जिसको हम लोग कहते हैं टिम्पैनम। इसके बाद ये हिस्सा इसका ट्रंक क्या कहलाएगा, ट्रंक, ट्रंक माने धड़ होता है, तो ये ट्रंक हो गया। आगे के हाथों को कहेंगे फोर लिम्स, फोर लिम्स हिंदी में अग्रपाद बोलते हैं। पीछे के जो होते हैं उनको कहते हैं हाइंड लिम्स। और इसके जो हाइंड लिम्स होते हैं उनमें खास बात होती है कि उनमें वेब यानी जाल जैसा पाया जाता है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ लाइनिंग्स कर देंगे और लिख सकते हैं फूड वेब, तो उसको हम लोग लिख देंगे, मेंशन कर देंगे फूड वेब। अब एंड में यहाँ पर क्लोएका होता है, यानी कि मलमूत्र त्याग करने के लिए एक ही छिद्र है जिसको हम लोग क्लोएका बोलते हैं। तो ये कुछ खास खास लेवलिंग मैंने कर दी यहाँ पर। अब हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो चूंकि इसका नाम है फ्रॉग, इंडियन फ्रॉग, भारतीय मेंढक, और इसका साइंटिफिक नेम भी हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, दैट इज राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। आपको पता है कि साइंटिफिक नेम में नीचे पे हम लोग अंडरलाइन करते हैं, तो यहाँ पर दोनों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन कर दी। तो ये हो गया आपका फ्रॉग का डायग्राम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायग्राम को किस तरीके से ईजी वे में आप बना सकते हो। मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से डायग्राम आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, जिन्हें बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैं बिल्कुल उन पर भी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप इजीली एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से इन डायग्राम्स को बनाकर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।